नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक धार्मिक मठ में एक नाबालिग बालिका के शोषण का मामला सामने आया है। मठ के मठाधीश और उनके शिष्यों पर बालिका के साथ पिछले कई वर्षों से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस मामले को लेकर खामोश बनी रही। पीड़िता ने न्याय के लिए अब अदालत का सहारा लिया है, लेकिन अदालत से केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश के बाद भी पुलिस मामले को लेकर लापरवाह बनी हुई है। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के खैरा खास मठ के मठाधीश और उनके शिष्यों पर एक बालिका के शोषण का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि मठ के महंत वर्ष 2015 से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। बताया जा रहा है कि मठ के महंत बालिका के रिश्तेदार हैं और पीड़िता के पिता की मृत्यु के बाद पीड़िता को शिक्षा दीक्षा के लिए मठ में लाए थे, लेकिन मठ में लाने के बाद महंत ने बालिका का शोषण करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई वर्षों तक महंत के दो शिष्य भी पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करते रहे। बालिका ने मामले को लेकर कई बार स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक गुहार लगाई, लेकिन पुलिस पीड़िता के साथ कोई हो रहे अत्याचार पर संवेदनशील बनी रही। पीड़िता ने अब अपने रिश्तेदार की मदद से न्याय के लिए अदालत का सहारा लिया है। कोर्ट ने पीड़िता की गुहार पर मामले में केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बावजूद उसके अभी भी पुलिस मामले को लेकर संदिग्ध नजर आ रही है। लेकिन बलिया के खैर खास मठ में बालिका के शारीरिक शोषण का ये मामला जहां मठ की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं आरोपी महंत और उसके शिष्य लगातार पीड़िता को डरा धमका रहे हैं। जबकि अदालत से आदेश के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवंश के खतरा कर रही है। ऐसे में डरी सहमी पीड़िता न्याय के लिए अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। बलिया से न्यूज 9 भारत के लिए सुनील यादव की खास रिपोर्ट। कि आप जिलाधिकारी महोदय के बंगले पर आई हुई हैं? मेरे फूफा जी थे जो मुझे मेरे गांव से लेकर के आए, और हम लोग बहुत छोटे थे जब दादी की डेथ हो गई थी। खाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे फूफा जो कि भूपन तिवारी हैं उर्फ मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, खैरा मठ में वो रहते थे, तो वो मेरे घर गए और मेरी मम्मा से बोला कि ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी छोटी बेटी मुझे दे दीजिए। मेरी दो सिस्टर हैं और तीन ब्रदर हैं मेरे, जो कि तीनों मुझसे छोटे हैं और दो दीदी हैं मुझसे बड़ी हैं, शादी हो चुकी है, वो अपने अपने घर पे हैं। तो उन्होंने बोला मम्मी से, ठीक है आप छोटी बेटी को मुझे दे दीजिए, बाकी की जो भी इसकी शिक्षा होगी वो हम आगे की करा देंगे। उस समय मैंने 8th कम्प्लीट किया था। 2014 में मुझे मेरे फूफा जी लेकर के आए। 2014 में हमने कम्प्लीट किया था। 2014 में मैंने अपना 8th कम्प्लीट किया और 2015 में नवंबर में मुझे मेरे फूफा भूपन तिवारी खैरा मठ पे लेकर के आए। और पहले तो 6-7 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर उन्होंने बोला कि पहले तो शरीर की मालिश करने के लिए बोला, मुझे बहुत अजीब लगता था लेकिन फिर भी मैंने किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं उनके चेले हैं जगत नारायण दुबे और राजेश गुप्ता, वो भी मुझे अपने शरीर की मालिश करने को कहते थे, मैं करती थी। और फिर 8 जून था उस समय, और रात को 10 बज रहे थे करीब। कोठरी थी वहाँ पे जहाँ पे हम सो रहे थे, वो मेरे कोठरी में आए और मेरे साथ ज़बरदस्ती शोषण किया मेरा। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर मेरी किसी ने भी नहीं सुना वहाँ पे। और फिर ऐसे लगातार उनका सिलसिला चलता रहा। और फिर उनके चेले हैं जो जगत नारायण दुबे और राजेश गुप्ता, उन्होंने देख लिया और फिर वो भी मेरे साथ वही क्रिया उनकी, वो भी मेरे साथ शोषण करते रहे। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं पाती थी, मैं बहुत रोती थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर वहाँ पे एक थे राम परवेश उर्फ नागा, जो कि वहाँ पे ट्रैक्टर चलाते हैं, मैंने उनसे सारी बात कही और मैंने उनसे 500 रुपये लिया और मैं वाराणसी चली गई। उसके बाद फिर भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने वहाँ पे मेरा मुझे एक फ़ोन दिया था उन्होंने, जिसका नंबर था 7376177073 था। तो वो सब वो नंबर को मेरे, मैंने जब वहाँ जाते थे तो मुझे कॉल करते थे, मैंने नंबर ऑफ कर दिया था। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया, तो मुझसे असली बातें करने लगे वो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी रखी है।
फिर मुझे धमकी देते थे कि अगर मैंने किसी से कहा या किसी से मैंने शेयर किया ये बात तो मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे, और जान से मार के मुझे फेंक देंगे या गाड़ देंगे, या तो ठाकुर जी की मूर्ति की चोरी में मुझे जेल भेज देंगे। बहुत डर लगता था, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो गया तो मैंने वहाँ पर नाम पर भी सिर्फ नागा हैं और राघविंदर दास थे, मैंने सबको कहा। एक दिन दोपहर का समय था, उन्होंने बोला कि जाओ आटा लेके आओ, मैं आटा लेने गई थी तो वो पीछे पीछे गए, उन्होंने मेरे सारे कपड़े ज़बरदस्ती उतार दिए और उसके बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए मेरे। मैं बहुत चिल्लाई तो वहाँ पे ललन मिश्रा और क्या नाम है राघविंदर दास, राम परमेश्वर नागा, रामाधार तुरहा, सब लोग वहाँ मौजूद थे। मैं चिल्लाई तो सब ये लोग आए दौड़ के, उनको खींचा ऊँचा, हटाया हटाया, मारा भी बहुत। उसके बाद मुझे जो कि वहाँ व्यास थे, मामा हम कहते थे उनको, सब लोग मामा कहते थे, मैं भी मामा कहती थी उन्हें, उन्होंने मुझे अपना कंबल दिया, बोला बेटा जाके कपड़े बदल लो। मैंने कपड़े बदले, उसके बाद फिर मैंने जिला एसपी को, मैंने बलिया में वहाँ पे मैंने एसपी को दिया था, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने थाने पे भी दिया था, थाने पे सबने ये कह के मुझे लौटा दिया था कि वहाँ का केस बहुत आता है, आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। और 2018 में मैंने दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने एसपी सर को दिया था, एसपी सर ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने वहाँ बहुत कोशिश की, जब वहाँ नहीं हुआ तो मुझे फिर यहाँ पे जिला बलिया न्यायालय में आके मुझे जज अंकल को देना पड़ा। और उसके बाद सिर्फ मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। जो मेरे साथ उन्होंने किया उसका उन्हें, उनकी गलती जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि उन्हें सज़ा हो, मुझे इंसाफ मिले। और आज मैं DM सर की आवाज़ पे आई हुई हूँ और उनसे मेरी जो लड़की आपको एक अपराधियों के बारे में कुछ बता रही है, क्या मेरी समझ में कोई स्पेसिफिक मामला नहीं था, केवल और केवल एक NBW के किसी तामिला की बात उक्त बच्ची द्वारा बताई गई, जिसको मेरे द्वारा तुरंत एश्योर किया गया, कप्तान साहब को बताया गया, वो क्रॉस चेक कर लिया जाएगा, NBW अगर आया हुआ है कोर्ट से तो पुलिस निश्चित रूप से उसको तामिला कराएगी। सर एक चीज़ देखा जा रहा है कि...